क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन अ गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरीली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. मतलब एक गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करने से, तो उसमें हमने क्या करा कि अल्फा पार्टिकल को 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी देकर हमने बम्बार्ड किया, मतलब न्यूक्लियस के पास भेजा, ठीक ना. और न्यूक्लियस के पास जाके वो करीब गया और रिवर्स हो गया, ठीक ना. तो उसका क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हुआ अल्फा पार्टिकल का, ये हमें बताना है, ठीक ना. अब देखो आप मतलब गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में था क्या, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, इस पे चार्ज कितना है प्लस जेड, ठीक. यहां से हमने अल्फा पार्टिकल भेजा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव. तो जैसे ही इसे हम न्यूक्लियस की तरफ भेजेंगे तो जैसे ही वो एटम के अंदर जाएगा तो एटम के अंदर जाते ही क्या होगा कि न्यूक्लियस उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगी. उस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी घटते घटते वो टोटली काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक. और जिस टाइम टोटली काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और उसके बाद वो क्या करेगी, अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी. तो जब जितनी वो क्लोज गई है इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना. क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया अल्फा पार्टिकल का. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2e, ठीक. तो क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या हुआ, टोटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0Q1Q2R. तो Q1 कितना हो गया, 2e, Q2 ZE by R. R ये हो जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना वो पास गई है R नॉट, ठीक. तो R नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 2E इंटू ZE by KE. अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻¹ इंटू 2 इंटू ई हो गया 1.6×10⁻¹⁹. गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट हुआ किस पे था, गोल्ड फॉइल पे. तो गोल्ड फॉइल की एटॉमिक नंबर आएगी यहां पे कितनी होती है, 79 इंटू ई 1.6×10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसे जूल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.7 इंटू 1.6×10⁻¹⁰ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक. 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 9×2×79×1.6 डिवाइडेड बाय 7.7 ये हो गया हमारा 295.48. आर नॉट कितना आ गया, 295.48×10⁻¹⁹ मतलब आ गया -16 बचा, ठीक. अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू 2.95. आर नॉट कितना हो जाएगा, 2.95×10⁻¹⁴ - 14 मीटर, ठीक. तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी.